गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म नारायण 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 नारायण। 4 जनवरी कठोपनिषद प्रवचन संख्या 2 दो खंडों में है। कठोपनिषद उपनिषद पे जो प्रवचन महर्षि ने दिए तो दूसरे खंड में जिस उपनिषद के मंत्र की व्याख्या महर्षि कर रहे हैं वहाँ धीर शब्द आया। परांची खानी वितृणत स्वयंभू तस्माद परां पश्यति नांतरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान में इक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वम इच्छन। कोई कोई ऐसा धीर होता है जो इस मार्ग में चलता है तो वो धीर शब्द जो उपनिषद में आया है प्रत्येक मंत्र के प्रत्येक शब्द की व्याख्या कर रहे हैं पर विशेष रूप से आज के पृष्ठ में उतने ही अंश में वो संकलन किया है जहाँ धीर शब्द की व्याख्या महर्षि ने की है। आज के पृष्ठ का शीर्षक है धैर्य रखो। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि जैसे हवा की आंधी आती है वैसे ही दुनिया में भावनाओं की आंधी आती है, यानी व्यक्ति के जीवन में भावनाओं की आंधी का अर्थ है कि अनेक किसी प्रसंग विशेष को लेकर बहुत प्रकार के विचार, तो उसको कहेंगे भावनाओं की आंधी। बयार की ओर पीठ करनी चाहिए, सामना नहीं करना चाहिए। धैर्य रखो, सह लो। तो हवा आती है तो फिर हम लोग उसके अगर सामने चलेंगे, बड़ा तूफान बड़ा तेज आता है तो चल नहीं पाएंगे, तो उसकी ओर पीठ कर लेनी चाहिए, ऐसी कहावत है। तो ऐसे ही जब दुनिया में भावनाओं की आंधी आती है तो उस समय बुद्धिमानी क्या है, सामना नहीं करना चाहिए, धैर्य रख के उसको सह लें। वहाँ सहना ही बयार की ओर पीठ करना है। जैसे सोते समय सपना आता है वैसे ही जागते समय तुम निकम्मे बैठे हो, इसलिए पिछली बातें याद आकर तुम्हें परेशान कर रही हैं। धीर है, उनमें धीर रहो। दूसरे पैराग्राफ में जो बात बता रहे हैं इसमें एक बात ये भी है कि जो व्यक्ति बहुत व्यस्त रहते हैं उनमें ये सब परेशानी नहीं होती क्योंकि उनको समय नहीं है उनको ये सब, पर जो निकम्मा बैठा रहता है तो स्वाभाविक है पिछली बातें याद आकर उसे परेशान करेगी। तो क्या करें, तो उसमें उसको धीर रहना पड़ेगा। अच्छा, कभी भविष्य की कल्पना आई, एक बात यहाँ समझा रहे हैं ध्यान से सुनना, कभी भविष्य की कल्पना आई हमको 6 महीने बाद ये काम करना है, तो तुम यह नहीं समझना कि आज जो वेग आया है यानी आज जो इस समय जो कल्पना आई है वह 6 महीने तक बना रहेगा। वो वेग जो है, वो जो कल्पना है, वो आई और चली जाती है, वो 6 महीने तक रहती नहीं है। अरे वह घंटे आध घंटे में ढीला पड़ेगा, दूसरा वेग आवेगा, फिर तीसरा वेग आवेगा। तो यह तो सपने पर सपने आते जाते रहते हैं, तो क्या करें महाराज, धैर्य से इनको आने दो और मिट जाने दो, उनका मूल्यांकन मत करो, इसकी कोई कीमत नहीं है। और ये भी नहीं कि अच्छे ही अच्छे आवें, ये जो कल्पनाएं आती हैं
कभी बुरी कल्पना भी आती है, क्या होगा पता नहीं। तो जो यह कोशिश करता है कि हमारे मन में अच्छे ही अच्छे भाव विचार आवें, उसको भी बहुत दुख होता है। यहाँ रुक जाइएगा, यहाँ प्रश्न उठेगा कि क्या ये कोशिश करना ठीक नहीं है। कोशिश करना ठीक है पर अपने हाथ में नहीं है, इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि जो ये कोशिश करता है कि हमारे मन में अच्छे ही अच्छे भाव विचार आवें, उसको भी बहुत दुख होता है कि वो देख रहा है कि कोशिश करने के बावजूद भी बुरे विचार आ जाते, बुरे भाव आ जाते, अब करे तो क्या करे। तो इसलिए धैर्य रखो, है ना। आगे समझा रहे हैं, अरे बाबा सपने पर जैसे किसी का नियंत्रण नहीं रहता है, सपना कभी अच्छा आता है कभी बुरा आता है। सीधी बात है, जब भगवान शंकर इसको सपना कह रहे हैं, है ना, जगत सब सपना, तो स्वप्न के बारे में तो हमको पक्का पता है कि कोई नियंत्रण नहीं, कौन सा स्वप्न आएगा, है ना, कभी अच्छा भी आ जाता है कभी बुरा भी आ जाता है। तो वैसे ही ये जो मनोराज्य होता है, जो हम लोग कल्पना करते हैं या कोशिश करते हैं कि हमारे मन में अच्छे विचार आवे, तो ये मनोराज्य जो होता है यह अनियंत्रित मन में होता है। हमेशा जो बहुत साधना किए हुए, जिनका मन अपने कंट्रोल में है, यानी जिनका मन भगवदाकार वृत्ति में रहता है, ब्रह्माकार वृत्ति में रहता है ना, उनको तो ये प्रश्न ही नहीं है बुरे विचार आने का। तो जो सामान्य लोग हैं जिनका भी मन अपने नियंत्रण में नहीं है, तो उन्हीं के मन में तो वही तो ये देखते हैं कि भाई चाहने पर भी हम चाहें कि बुरे विचार ना आवें फिर भी आ जाते हैं। तो इसलिए महाराज जी समझा रहे हैं कि वो अनियंत्रित मन में होता है ऐसा। तो अब करें क्या, तो उसके लिए सूत्र दे रहे हैं, उसके लिए समझा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अरे आई धारा बह गई, गंगा जी में कभी फूलमाला बह गए कभी मुर्दा बह गया। हम बैठे हैं गंगा जी के तट पे, वो देख रहे हैं कभी फूल आया कभी मुर्दा आ गया कभी कुछ आ गया, है ना। तो ऐसे ही अपने मन में भी दोनों प्रकार के दृश्य आते हैं, यानी अच्छे भी दृश्य आते हैं बुरे दृश्य भी आते हैं। जब मन धीरे धीरे साधना करते करते नियंत्रण होने लगेगा मन पर, तब हम देखेंगे कि अब हमारा मन जो है शांत है। एक दृष्टांत देखे, ये बात चूँकि सबको परेशान करती है, इसलिए एक दृष्टांत देके समझा रहे हैं कि मन में अगर बुरे विचार आ जाएं तो सह लेना चाहिए, है ना, उसमें परेशान नहीं होना चाहिए। दृष्टांत बहुत बढ़िया है। पहले ठाकुर साहब लोग होते थे ना, तो अपने दरवाजे पर पलंग पर बैठे रहते और हुक्का गुड़गुड़ाते रहते। सब लोग गांव में रहे हैं, हम भी 8वीं तक गांव में ही थे, तो सबको पता है कैसे होते हैं ये लोग ठाकुर लोग, है ना। अपने यहाँ तो ठाकुरों का बगल में ही है गोपालगढ़ में, तो अब वो हुक्का गुड़गुड़ाने वाले तो नहीं रहे। किसी अछूते के घर में ब्याह था, तो उसका लड़का घोड़े पर चढ़कर निकला। अब वो ठाकुर साहब वहाँ हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और वहीं से वो घोड़ा निकला। पूछा, स्वाभाविक है, ये कौन जा रहा है घोड़े पर, यानी किसकी बारात है। पता चला कि अमुक अछूत है। बस ये पता लगा कि अमुक अछूत है तो बोले, पकड़ कर ले आओ, तुम हमारे दरवाजे के सामने से घोड़े पर चढ़कर निकलते हो, यानी तुम्हारी ये इतनी तुम्हारी हिम्मत हो गई। और जूता लेकर के मारने लगे, वो जो दूल्हा था उसको जूता लेकर मारने लगे वो ठाकुर साहब। तो उस जमींदार की जैसी मनोवृत्ति थी वो ठाकुर की, वैसी मनोवृत्ति। ये तो हो गया दृष्टांत, उदाहरण है। अब महर्षि जो समझाना चाह रहे हैं, दृष्टांत यानी जो सिद्धांत को समझाना चाह रहे हैं कि धैर्य क्यों रखना चाहिए, तो इस बात को समझो। क्या, जैसी मनोवृत्ति थी वैसी मनोवृत्ति, जमींदार की है ना, उस जमींदार की जैसी मनोवृत्ति थी वैसी मनोवृत्ति उस साधक की है जो मन में कोई खराब बात फुरफुरा गई और लेकर जूता उसको मारने के लिए दौड़ा। तो एक तो गंदी मनोवृत्ति आई और दूसरे उस पर क्रोध। तो ये
ऊपर जो बात महर्षि ने बताई कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखो, है ना। बात आई जैसे गंगा जी में मुर्दा भी बहता है, फूल भी बहते हैं, तो अनियंत्रित मन में ही ऐसा सब होगा। पर जब हम उस पर क्रोध करते हैं, उससे परेशान हो जाते हैं, तो वो ठीक नहीं है। क्यों? ये ऐसे ही हो गया जैसे कि वो अछूत आया और फिर उसके ऊपर वो जूता मारने लगे, तो एक गंदी मनोवृत्ति आई और दूसरे उस पर क्रोध करने लगे। तो क्रोध नहीं करना चाहिए, शांति रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। अब अगले पैराग्राफ में परमपूज्य महाराज जी समझा रहे हैं कि असली स्वरूप हमारा जो है उसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि कठोपनिषद पर प्रवचन है। तो उपनिषद में वेद भगवान ने ये बात बताई है कि ये जो शरीर हमको मिला है, तो ये तो एक प्रकार की जैसे किसी को कार मिल गई है ना, तो कार चला के जाता है यहाँ से वहाँ, तो ऐसे ही हमारे जो कर्म हैं पिछले जन्म के, तो उसका जो सुख भोगना है और दुख भोगना है, तो बिना शरीर के नहीं होगा। तो जीव जो है उसको फिर ठाकुर जी उसके कर्मों के अनुसार शरीर देते हैं। तो वो जो जीव है, वो जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसके बारे में बता रहे हैं। तुम्हारा जो ज्ञान है, यानी तुम जो हो, तुम्हारा असली स्वरूप, वह स्वच्छ है, निर्मल है, वह निर्विषय है, वह निर्द्वंद है, वह अविनाशी है, वह परिपूर्ण है। तो ये तो उपनिषद का अध्ययन करने वालों को बार बार इसका संस्कार दिया जाता है ना। और जो भक्त लोग हैं तो परमात्मा को, है ना, हमारे जो ठाकुर जी हैं, तो उसमें ये सब बातें बताई हैं, वो सब आत्मा में भी है, परमात्मा में भी है। तो यह जो तुम्हारा ज्ञान है ना, ज्ञान स्वरूप, इस पर दृश्य की कोई छाप छूटने वाली नहीं है। तो जो वेदांत का विचार कहते करते हैं, उनको कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा जो है वो बिल्कुल निर्गुण, निरादा, निराकार, निर्धर्मक है, इसलिए उस पर कोई छाप नहीं पड़ेगी। और जो भक्त हैं उसको कहते हैं कि भाई तुम परमात्मा के अंश हो, तो परमात्मा के प्रति जब शरणागत हो जाओगे, तब तुम देखोगे कि ये तो सब ऐसे ही चलता रहता है, उसका फिर कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसीलिए ऊपर कहा कि इसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा मूल्य देने से गड़बड़ी होती है। तो ये मुख्य बात आज के पृष्ठ की ये बता रहे हैं कि भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, क्योंकि उपनिषद पे बोल रहे हैं इसलिए भक्त वाली बात नहीं ले रहे हैं, पर हम लोगों को समझते चलना चाहिए। समझते हुए इसलिए चलना चाहिए कि परमात्मा के साथ जो जुड़ गया तो उसको भी कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। दृश्य आवेगा और अपना तमाशा दिखाकर वह बह जाएगा, यानी घटनाएं आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, सब प्रकार के प्रसंग आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि सत्संग करने वालों को वो बीमार नहीं होते, या उनको घाटा नहीं लगता, या उनको, है ना, कोई एक्सीडेंट नहीं होता। वो सब होंगे, पर होने पर भी क्या है कि अपना तमाशा दिखाकर वो चला जाएगा। तुम काहे को परेशान होते हो? तो इसको क्या कहते हैं? इसको धैर्य बोलते हैं, धैर्य। अभी 6-7 पंक्ति बची है, तो धैर्य के बारे में आगे चल के 19 अक्टूबर में महर्षि ने संक्षेप में, वहाँ दो प्रसंग हैं 19 अक्टूबर में, तो 293, पेज नंबर 293, धीरज नहीं खोना चाहिए, उसको पूरा कर देंगे। इसको यहाँ पर ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसी से संबंधित है। कोई उद्वेग का प्रसंग आ जाए तो घबराना मत, धैर्य रखना। बहुत सारे उद्वेग के प्रसंग आते हैं। हमारे तरुण बता रहे थे, किसी को दिया था पैसा, अब वो महाराज लौटा ही नहीं रहा है, है ना। कब लौटाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, उसी दिन उनको वो सूत्र याद आ गया, अपना हो तो जाए नहीं, जो जाए सो अपना नहीं, तो शांति मिल गई।
तो धैर्य के लिए कई सूत्र बनाए हुए हैं, है ना। अब उसी दिन लौटा दिया उसने, उसका फोन आ गया। तो कोई उद्वेग का प्रसंग आ जाए तो घबराना मत, धैर्य रखना। हमारे जीवन में जो उद्वेग के, घबराने के प्रसंग आते हैं, उनमें से 99% तो अपने आप ही शांत हो जाते हैं। धैर्य के विषय में ये जो बात महाराज जी कह रहे हैं, ये समझने लायक है। बेकार में हम लोग परेशान हो जाते हैं। थोड़ा सा मंत्र जप करें, थोड़ा शांति रखें, है ना। इन प्रश्नों को एक बार पढ़ें, अगर पुस्तक है तो, है ना, पुस्तक तो है ही है सबके पास, तो ध्यान आ जाएगा कि अरे अपने आप शांत हो जाएगा, काहे को परेशानी हो रही है। व्यक्ति इसी के कारण ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, दुनिया भर के रोग हो जाते हैं, है ना। तो कोई उद्वेग का प्रसंग आ जाए तो घबराना मत, धैर्य रखना। हमारे जीवन में जो उद्वेग के, घबराने के प्रसंग आते हैं, उनमें से 99% तो अपने आप ही शांत हो जाते हैं। ये अगर वाक्य हमको याद रहेगा, है ना, तो हम देखेंगे कि बहुत चमत्कार हो जाता है। दृष्टांत देके समझाते हैं। अंधकार देखकर घबराना नहीं चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में ये नहीं समझना चाहिए कि यह अब हमेशा के लिए आ गई, क्योंकि जो आता है सो जाता है, ये नियम है, यह भी नहीं रहेगा। अच्छे दिन आते हैं ये नहीं रहेंगे, बुरे दिन आते हैं ये नहीं रहेंगे। अच्छे दिन आवे तो फूल मत जाओ। गलती हम लोग क्या करते हैं, अच्छे दिन आते हैं तो हम फूल जाते हैं। समत्व में रहना चाहिए। मार पार्टी और मार एकदम, है ना, दुनिया भर को दिखा रहे हैं कि क्या आज हमारा हो गया, है ना। आज क्या बात है भाई, इतने क्यों सब लुटा रहे हो, अरे तुमको मालूम नहीं है क्या हो गया। फूलो मत, बैलेंस रखो। ये भी धैर्य की कमी है। देखिए, फूलना भी धैर्य की कमी है भाई। अच्छे दिन आए तो हम क्यों नहीं आनंद मनावें। अगर तुम आनंद मनाते हो अच्छे दिन आवे, तो फिर जब बुरे दिन आवेंगे तो तुमको दुखी जरूर 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 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि धैर्य की कमी है। अच्छे दिन आए और तुमने बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाए, अब बुरे दिन आए, अब रो। तो उस समय अगर शांत रहते, थोड़ा विचार करके बुद्धिमानी से काम लेते कि भाई चलो ठाकुर जी ने दिया है, है ना, काम आएगा, इसको बेकार में इसे खर्च मत करो, तो फूल जाओ मत। ये भी धैर्य की कमी है। बुरे आवे तो घबरा मत जाओ। दो बातें इस प्रश्न में याद रखनी है। एक तो 99% तो ये जितने उद्वेग के प्रसंग हैं अपने आप ही शांत हो जाते हैं बिना कुछ किए, बस धैर्य रखना। और दूसरा, यह भी नहीं रहेगा, यह भी नहीं रहेगा। मैं महात्मा लोग एक दृष्टांत सुनाते हैं कि एक पिता मरने के पहले अपने बेटे को, बहुत बड़ा व्यापारी था, करोड़पति क्या अरबपति था, तो उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा ये एक हार मैं तुझे दे रहा हूँ, और उसमें छोटा सा ताबीज जैसे होता है, तो ताबीज में जैसे वो खुल जाता है, तो उसके अंदर कुछ रखा था तो उसको लॉक होता है, बंद हो जाता है, छोटा सा। बोले इसमें मैंने कुछ लिख रखा है, है ना, पर्चा इसमें डाल रखा है छोटा सा, तो उसको तभी खोलना जब तुम कोई कष्ट में हो। तो पिता तो मर गया, बच्चा ताबीज धारण करता था वो हार, और हुआ क्या कि बहुत बड़ा व्यापारी था, तो सूचना मिली कि जो करोड़ों का सामान लेके जहाज आ रहे थे, वो जहाज तूफान के कारण डूब गए, यानी माल सब खत्म, यानी उसका तो अब समझो कि मरण ही हो गया। और सोच रहा था अब जी के क्या करेंगे। इतने में उसको पिता की बात याद आई और वो ताबीज खोला,
उसमें से पर्चा निकाला, उसमें ये लिखा था, ये भी नहीं रहेगा। उसने ये पढ़ा, ये भी नहीं रहेगा। और अब देखिए, कहाँ तो सोच रहा था कि आत्महत्या कर लें, और अब जब वो पिता की बात याद आई वो ताबीज वाली, तो उससे थोड़ा धीरज आया, तो रुक गया। कोई गलत काम नहीं किया उसने। और उतने में खबर आई कि तूफान ज़रूर आया था पर जहाज़ डूबे नहीं, जहाज़ सब बच गए। तो इसलिए महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति में ये नहीं समझना चाहिए कि यह अब हमेशा के लिए आ गई, क्योंकि जो आता है सो जाता है, ये नियम है, ये भी नहीं रहेगा। अच्छे दिन आते हैं, नहीं रहेंगे, बुरे दिन आते हैं, ये नहीं रहेंगे। तो अच्छे दिन आवे तो फूल मत जाओ, ये भी धैर्य की कमी है, और बुरे आवे तो घबराओ मत। तो ये सूत्र मिल गया कि धीरज रखना। फिर आगे एक प्रसंग दिया है महाराज ने, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो फिर से अपने पृष्ठ पे आ जाते हैं कि जो ज्ञान है, तो ज्ञान का बता दिया महाराज ने कि उस पर तो किसी का भी असर नहीं पड़ता। हम अपने जीवन की कोई भी बुरी से बुरी घटना याद करनी पड़ती है तब याद आती है, पर उस समय जब वो घटना घटित हुई तो कितना हम घबरा गए थे। इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान स्वरूप आत्मा पर दृश्य की कोई छाप छूटने वाली नहीं है। दृश्य आवेगा, अपना तमाशा दिखाकर बह जाएगा, तुम काहे को परेशान होते हो। इसको धैर्य बोलते हैं, धैर्य। बाहर कोई मरे चाहे जरे, कोई आए चाहे जाए, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, बाहर और मन में ध्यान देना, बाहर की घटनाओं में और मन में भी, चाहे कैसा भी सपना आए और कैसा भी मनोराज्य होवे, उसको मनोराज्य मात्र समझो, उसको स्वप्न मात्र समझो। गड़बड़ी क्या हो रही है, उसको हम सत्य समझते हैं, वो सत्य नहीं है, वो स्वप्न है, वो मनोराज्य है। सत्य समझेंगे तो फिर वही होगा, अच्छे दिन आए तो फूल जाएंगे, बुरे दिन आए तो फिर उसमें घबरा जाएंगे। उसको ये मत समझो कि तुम्हारे कलेजे में पहाड़ घुस गया। हल्के रहो, हल्के रहो, और अपनी जगह पर बैठे रहो। तो इस प्रकार महर्षि धीर की व्याख्या यहाँ कर दी। अब अंतिम पैराग्राफ में कह रहे हैं, तो इस प्रकार जो बाहर या भीतर परिस्थितियाँ आती जाती हैं, उनकी ओर से, उनकी चोट से बचकर धीर होना है, उसकी चोट अपने ऊपर मत लगने दो। बाहर या भीतर दोनों ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मन में बड़ा उठा पटक होती रहती है बिना मतलब, और बाहर की परिस्थिति तो उससे तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है व्यक्ति कि पता नहीं अब क्या होगा, है ना। तो बाहर या भीतर परिस्थितियाँ आती जाती हैं, ये तो चलता ही रहेगा। उनकी ओर से, उनकी चोट से बचकर धीर होना है। तो चोट से कैसे बचे, उसका सूत्र यही है कि ये भी नहीं रहेगा, और 99% जो है वो उद्वेग अपने आप शांत हो जाते हैं। तो यही चोट, धीर रहना ही चोट सहना है, क्योंकि तूफान आया, शुरू वहीं से किया महर्षि ने, जैसे हवा की आंधी आती है वैसे ही दुनिया में भावनाओं की आंधी आती है। तो बयार की ओर पीठ करनी चाहिए, सामना नहीं करना चाहिए। तो ये तो सब रहेगा दुनिया में, पर वो चोट भी अनुभव होगी कि उसकी चोट लग रही है, पर चोट से बचने का तरीका क्या है, धीर होना है। अगर हम धीर हैं तो उसने जो भी काम करना है अपना काम करके वो चली जाएगी, यानी उससे कोई ना कोई शिक्षा हमको मिलेगी। तो उसकी चोट अपने ऊपर मत लगने दो। अरे आया आया, गया गया, उसको पढ़ लीजिए 19 अक्टूबर का। महर्षि ने अपना दृष्टांत दिया है कि कहीं यात्रा हो रही थी, हमने 1 महीने की पैदल यात्रा प्रारंभ की, 2-3 मील चलते चलते
बड़े जोर का बादल आया, यानी समझो आज शुभारंभ हुआ यात्रा का, और पहले दिन ही, एक महीने की यात्रा थी, पहले दिन ही ये घटना घटी। क्या घटा? एक महीने की पैदल यात्रा प्रारंभ की, पहले दिन ही 2-3 मील चलते चलते बड़े जोर का बादल आया, वर्षा होने लगी, चारों ओर पानी भर गया। ऐसा नहीं कि यात्रा प्रारंभ के उस समय ऐसा था, अचानक ही बादल आ गए और चारों ओर पानी भर गया। अरे पहले दिन ही ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी धैर्य बना रहा। एक दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं कि अब तो बहुत आसान था, अपना लौटे आते, पर नहीं लौटे नहीं। जितनी 2-3 मील की यात्रा हो चुकी थी, है ना, अब वहीं से देखा कि यहाँ क्या जुगाड़ है, तो देखो क्या हुआ। एक दीपक दिखता था बड़ी दूर, है ना, चारों ओर तो पानी भर गया, यात्रा तो अब स्थगित करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, तो कहाँ रुके, चारों ओर पानी है। तो वो जो दीपक दिखा बड़ी दूर से, आज का समय नहीं था, है ना, जब हरिद्वार वगैरह उधर जंगल थे, तो जब दीपक दिखा थोड़ी दूर तो उसकी सीध में चले गए, छप्पर मिल गया, सूखी जमीन मिल गई, है ना, रात को पीने को दूध मिल गया, पीने का दूध मिल गया, सो गए। दूसरे दिन सवेरे उठे और फिर क्रमशः 29 दिनों की यात्रा की, कहीं कोई विघ्न आया ही नहीं। तो प्रथम दिन विघ्न आते ही यात्रा स्थगित कर देते कि भाई चलो अब फिर देखा जाएगा, तो ये बुद्धिमानी नहीं, धैर्य रखा, और धैर्य का परिणाम क्या हुआ, रात जो है बीत गई बड़ी आनंद से, और फिर 29 दिन की यात्रा जो है उसमें कोई विघ्न आया ही नहीं। तो भगवान जानबूझकर देखते हैं, परीक्षा लेते हैं हनुमान जी की। 31 दिसंबर हमने देखा कि भाई ये बुद्धि यानी मैनाक पर्वत ने जो परीक्षा की उसमें तो बुद्धि तो इनकी अच्छी है, पर नहीं बलशाली है, बुद्धि नहीं बलशाली, तो शक्ति है इसलिए रुकी नहीं। मैनाक ने कहा कि थोड़ा विश्राम कर लीजिए, तो राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो शक्ति की तो परीक्षा हो गई, पर सिर्फ शक्ति से काम नहीं चलेगा लंका में, है ना, जब तक बुद्धि नहीं होगी तो बुद्धि की परीक्षा ली। तो सुरसा, तो सुरसा का महर्षि ने समझाया अर्थ कि बुद्धि का जो अवघात है वो कौन करता है, लोभ। तो सुरसा जो रस लेवे, तो हमने सुनाया था कि पाप का बाप कौन है, तो लोभ। तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी अणु बन गए, छोटे बन गए। उसने कहा मेरे मुंह में प्रवेश करो, है ना, मैं खाऊंगी तुम्हें। तो पहले तो कहा कि मुझे जाने दे, है ना, पर नहीं मानी। तो उसकी जो प्रतिज्ञा थी, मेरे मुंह में प्रवेश करो, मुंह में प्रवेश करके निकले आए। उसका तो बेचारी का बहुत बड़ा मुंह हो गया। तो बुद्धि में भी वे, तो धैर्य, धैर्य का मतलब वहाँ जब ये पहले दिन ही इतनी बारिश आई तो लौटे नहीं। दूसरे दिन सवेरे उठे, फिर कम से 29 दिनों की यात्रा की, कहीं कोई विघ्न आया ही नहीं। पहले पहल किसी काम में विघ्न आता हो तो धीरज नहीं खोना चाहिए। नारायण 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 श्री